हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 9999 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जो बैटल स्पीड लॉर्ड होता है उसके पीछे से यू आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। बैटल स्पीड लॉर्ड जो होता है घोस्ट किंग, वो चिल्ला बोलता है क्या आखिर यहाँ पे क्या हो चल रहा है। लेकिन तब तक जो यू होता है अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। ये जो हमला को देख के मोटू और जो बुढ़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलते हैं यू मिस्टर यू क्या कर रहे हो। लेकिन जो लूफेंग होती है काफ़ी आराम से कप में प्याले में चाय पी रहे होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि यू सब कुछ संभाल लेगा। जितने भी बंदे बैटल स्पिरिट के टीम से आए हुए होते हैं वो बोलते हैं किंग किंग का जो ब्रेथ था, जो प्रेजेंस की फीलिंग थी, वो फाइनली यहाँ से चली गई। यू जो होता है उसके जो की होता है, चाबी होता है, उसको ले लेता है, बोलता है कि मुझे एक चाबी तो मिल गया। वहाँ पे जो रेड आई का लीडर होता है वो वहाँ खड़ा होता है, बोलता है कि इसने एक सिंगल से अटैक में घोस्ट किंग के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर को इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। अगर यहाँ पे अंडरग्राउंड का इन्फोर्सर भी आ जाए तो वो भी एक सिंगल अटैक में घोस्ट किंग को मार सकेगा। डैम इट, ये मीटिंग तो सच में, ये जो लड़की है लूफेंग, इसने शुरू से ही यहाँ पे जाल बिछा के रखा था। और यहाँ पे टारगेट इसका कुछ और नहीं बल्कि मैं और बैटल स्प्रिट लॉर्ड थे। नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा यहाँ पे रहना, मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये सब सोच ही रहा था। लेकिन तब तक जो सुसु होती है उसके ऊपर अटैक कर देती, बोलती कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुम कमीने बुढ़े, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगी, तुमने मुझे इनबिस्ट में बदल दिया था, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। साथ ही वो अपने तलवार जो हथियार होता है उससे उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो हथियार का जो अटैक होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जो भी लॉर्ड आई रेड आई के बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देते, बोलते लॉर्ड आई लॉर्ड रेड आई लॉर्ड रेड आई भागो भागो यहाँ से भागो। लेकिन जो मिस लूफेंग होती है वो अपने जो वाइट घोस्ट बाय होता है उसको बोलती है कि हमारा जो ड्रैगन प्रिजन डोमेन है उसको ओपन कर दो और किसी भी डेड सोल को इस बैटल स्पिरिट हॉल से बाहर नहीं जाने देना। बोलता है यस माय लॉर्ड, और साथ ही वो अपना जो स्पेशल फॉर्मेशन होता है उसको ओपन करता है और सारे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको वहाँ पे कैद कर लेता है। सारे बंदे बोलते हैं ये तो एक इंचैनमेंट है, ये तो एक प्रिजन है, हम लोग यहाँ पे फंस गए, हम लोग को यहाँ पे जाल में फंसा दिया गया, चलो इसको तोड़ के हम लोग को सब जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन वहाँ पे फाइनली सारे जो तीसरे इन लोग का बंदा होता है राक्षस क्लैन के बंदे होते हैं वो लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं चलो इन सबको मार डालेंगे, जो भी यहाँ पे दूसरे रेड आई क्लैन या फिर बैटल स्पिरिट हॉल से बिलोंग करता है उन सबको हमको मार डालना है। वहाँ पे दिखाते रेड आई का सीन, वो जमीन पे गिरा हुआ होता है और खास रहा होता है, बोलते हैं लॉर्ड सुसु तुम यहाँ पे अभी कैसे आ गए, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। सुसु वहाँ पे आते बोलते कि आज मैं तुम्हारे साथ वो सारा जो भी हिसाब हमारा है वो सब सलटा दूंगी जो भी तुमने मेरे साथ किया था। रेड आई सुसु जो होती है यूसु बोलती है अंकल आप इस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। यू बोलता है चलो ठीक है केयरफुल रहना और इसके साथ इसको मारने के साथ ये चाबी है की है उसको डिस्ट्रॉय मत कर देना। वो बोलते ठीक है अंकल मैं आपकी बात को समझ गया। रेड आई भी उन सब की तरफ देख रहा था, बोलता है ये तो शिशु है, ये हज़ार साल पहले इसका कल्टिवेशन एकदम से मतलब कि घोस्ट रियल के पीक पे पहुंच गया था और मैंने इसका जो सोल था सोलर स्टोन था उसको फ्यूज करके इन्वेस्ट बना दिया था ताकि ये हम लोग को सरपास ना कर सके। लेकिन इसका अटैक अभी जो मैंने देखा, इसने जो मेरे ऊपर अटैक किया वो एक घोस्ट किंग लेवल का पहुंच चुका है। इन लोगों ने अपने साथ एक बहुत बड़े मतलब बहुत पावरफुल बंदे को भी बुला के ले आया, अगर यहाँ पे इसी तरह चलता रहा तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाएंगी। लेकिन तब तक सुसु जो होती वहाँ पे फिर से आ जाती, बोलती कि क्या तुम यहाँ पे इसी तरह खड़े रहना चाहते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक सिंगल अटैक मार डालूंगी। साथ वो अपना जो हथियार होता है फिर से रेड आई के ऊपर मारती और वहाँ पे एक जोरदार धमाका फिर से होता है। बोलती कि चलो ठीक है एक और सह के दिखाओ, एक और हथियार का अटैक लेके दिखाओ, फिर से वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, चिल्ला रहा होता है। बोलती है मतलब सुसु जो होती बोलती कि क्या तुम मेरे अटैक को डॉच भी नहीं कर रहे, ब्लॉक भी नहीं कर रहे, आखिर तुम्हारा इन सबसे क्या मतलब है। रेड आई बोलता है कि तुम अभी भी काफ़ी कमजोर और काफ़ी छोटी हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ल्यू शुशु, और मेरे लिए यही चांस है मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, थैंक यू मुझे इतना अच्छा पुश देने के लिए जिसकी वजह से मैं यहाँ से भाग सकूँगा। वो उसे भागने लगता है और बोलता है तुम लोग ने यहाँ पे इतने बड़ा एक ट्रैप बिछाया जो कि मुझे और बैटल स्पीड लॉर्ड को मारने के लिए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं रेड आई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि यहाँ पे रहूँगा और तुम लोगों के साथ लड़ता रहूँगा। जब मैं इस बाउंड्री को तोड़ के यहाँ से इस जो बैरियर यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा तो मैं अंडरवर्ल्ड के जो लॉ इन्फोर्सर है उसको बुला ले आऊँगा। वो सब बोल ही रहा था लेकिन तभी वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सामने दिखाते उसके आगे से यू आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें भागने की इजाज़त किसने दी। साथ ही वो एक जोरदार जो एनर्जी स्लैश होता है फिर से उसके ऊपर लगा देता है, वो बंदा इस पर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट फिर से होता है और वो जो रेड आई होता है सीधा का सीधा आके जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। बोलता है डैम इट मेरा सोल तो ऑलमोस्ट टूट ही गया था, अगर ये जो किंग जो इतने 5000 साल से मेरा बॉडी जो मैंने कल्टीवेट किया अगर मैंने नहीं किया होता इतने हार्ड अपने बॉडी को तो मैं यहाँ पे मर जाता। यू जो होता है फाइनली वहाँ पे नीचे उस घोस्ट किंग के पास आ जाता है और बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, जहाँ तक मुझे पता है सारे घोस्ट अपने पावर को बढ़ाने के लिए बॉडी को बढ़ाते हैं पर इसका बॉडी तो उल्टा छोटा हो गया। सुसु बोलते कि नहीं अंकल ये इसका रियल
बॉडी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने जो इसका बॉडी को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वो इसने अपने मैजिक ऑरा को यूज़ करते हुए बनाया था जो कि हज़ारों साल से इसने कल्टीवेट किया था। लेकिन इसका ये रियल बॉडी इतना ही छोटा है। रियल बॉडी वाला जो रेड आई होता है बोलता है कि खांसते बोलता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक लिविंग बींग हो। लेकिन इन सबसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम एक लिविंग बींग हो गए हो, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमारे लॉर्ड जो है वो किसी भी लिविंग क्रिएचर को अंडरवर्ल्ड में पसंद नहीं करते, और जो अंडरवर्ल्ड में आके यहाँ का जो लॉ है उसको डिस्टर्ब करते हैं अंडरवर्ल्ड के लॉ को, उसको तो वो मार ही डालते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं जो मिस लू फेंग होती बोलती नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, और जो ओल्ड भाई होता है वो दोनों बोलते हैं कि लॉर्ड मिस लू फेंग क्या हुआ आपको, मतलब इस सबसे क्या हो गया, मतलब अचानक से क्या हो गया। लू फेंग उसको बताते कि काफ़ी सालों पहले घोस्ट किंग जो था घोस्ट प्रेम का, उसने मुझे एक चीज़ दिखाई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ मैं सही हूँ तो इस जो समय जो रेड आई अपने हाथ में पकड़ के रखा है जो मैजिक वेपन वो अंडरवर्ल्ड का लॉ इन्फोर्सर है। बोलता है क्या वहाँ पे साथ ही वो जो रेड आई होता है उस लॉर्ड इन्फोर्सर जो होता है लॉ इन्फोर्सर जो वेपन होता है उसको बजा देता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और फाइनली वो जो फ्रीजन होता है वो टूट जाता है। साथ ही यू बोलता है कि कुछ तो यहाँ पे आ रहा है। सुसु भी बोलती है कि अंकल यहाँ का एयर जो अचानक से कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। वहाँ पे दिखाते हैं एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनती है और एनर्जी के अंदर से कोई बंदा जो होता है वहाँ पे आता है और पूरी की पूरी प्रिजन को तोड़ देता है। उस प्रिजन को तोड़ने की वजह से जो लू फेंग होती है उसके मुँह से खून निकलता है क्योंकि उस प्रिजन को उसी ने बनाया हुआ होता है। मोटू और ओल्ड भाई बोलता है कि लॉर्ड लू क्या आप ठीक हो। वहाँ पे एक बंदा जाता है बोलता है कि एकेमी, यानी कि वो अपनी भाषा में बोलता है रेड आई लॉर्ड। वो बोलता है कि तुमने मुझे इससे जगह पे क्यों बुलाया, अगर तुमने मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं बताया, ऐसा रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया कि जो कि वैलिड हो, तो तुम हमारे साथ क्या होगा वो तुम समझ लेना। उस बंदे का नाम होता है अंडरवर्ल्ड टॉर्चरर बुल हेड एग्जीक्यूटर। सारे बंदे उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, डर जाते, बोलते ये तो अंडरवर्ल्ड का इन्फोर्सर, भागो भागो यहाँ से भागो, हम लोग को भागना होगा। सारे बंदे वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इन्फोर्सर जो होता है वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि यहाँ पे ना ही मुझे राक्षसा ना ही बैटल स्पिरिट लॉर्ड दोनों का जो ब्रेथ है वो फील नहीं हो रहा, क्या वो दोनों मर गए। साथ ही वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पे रेड आई होता है। वहाँ पे वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इतने छोटे क्यों हो गए हो। रेड आई जो होता है रोना स्टार्ट कर देता है, बोलता है लॉर्ड इन्फोर्सर लू फेंग ने जो है यहाँ पे राक्षस क्लैन के जो हेड थे राक्षस लॉर्ड राक्षस उसको मरवा दिया है, और जो बैटल स्पिरिट लॉर्ड थे उनको भी मरवा दिया, और किसी बाहर से एक बंदे को बुला के उससे हेल्प ले रही है। अगर मेरे पास ये बॉडी नहीं होता, मैंने अपना बॉडी को नहीं गवा के इस छोटे से बॉडी में नहीं आया होता, तो हो सकता है मेरा भी सॉल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया होता। और ये लोग चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों जो भी घोस्ट किंग उन सबको मार के ये जो जूलिंग सिटी का ऑर्डर है लॉ एंड ऑर्डर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जो पिछले 10,000 साल से आपका यहाँ पे राज चल रहा है आपका लॉ चल रहा है उन सबको ये तोड़ना चाहते। और साथ ही वो यू की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो जो सामने खड़ा लड़का दिख रहा है वो लिविंग बॉडी है। लिविंग बींग का नाम सुनते ही जो लॉ इन्फोर्सर होता है काफ़ी गुस्सा से साथ यू की तरफ देखने लगता है, लेकिन सुसु जो होती है यू की तरफ छिप जाती है, यू के पीछे छिप जाती है और बोलती है देखो देखो वो मेरी तरफ देख रहा है, वो तो एक मतलब कि बहुत ही बदमाश डीमन लग रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गई बेवकूफ, अगर तुम यहाँ पे मेरी तरफ इसी तरह देखते रहोगे तो मेरे अंकल जो है वो तुम्हें मार मार के कचुमर बना देंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मिस लू फेंग चिल्ला रहे थे सुसु सुसु मेरे पास जल्दी से आ जा। लॉ एनफोर्सर बोलता है कि हे लू फेंग और लू सुसु मैं तुम दोनों को देख लिया और तुम दोनों को पहचान चुका हूँ, तुम वही हो ना द फॉर्मर फर्स्ट मिलिट्री एडवाइजर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, और ये छोटी सी लड़की वही लिटिल डेविल है जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट घोस्ट किंग लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुकी थी हजारों साल पहले। लेकिन अचानक से मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई कि तुम लॉर्ड राक्षस और लॉर्ड बैटल स्पिरिट के जो सोल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकोगे। सुसु उसके पीछे से उसको चिढ़ाते हुए बैटल लॉ इन्फोर्सर को चिढ़ाते हुए बोलती कि ये तुम्हारे मसला नहीं, तुम्हारा बिजनेस नहीं, अपने काम से काम रखो। ये बोलता है कि सुसु जाओ लू फेंग और जितने भी हमारे राक्षस क्लैन के डेड सोल बंदे उन सबको लेके यहाँ से चली जाओ। बोलती कि अंकल लेकिन आप, वो बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑल दो ये जो बंदा है वो काफ़ी कमज़ोर है लेकिन फिर भी इसके पास जो है वो लॉ ऑफ अंडरवर्ल्ड का पावर है और इसलिए मैं इसके साथ इतनी आसान से डील नहीं कर सकता। साथ ही वो सू फेंग के पास यू फेंग के पास चले जाते, बोलते कि ओके अंकल इसको मेरी तरफ से भी 2-3 मुक्के दे देना। लॉ इन्फोर्सर जो था यू से पूछता कि क्या तुम हुई वो लिविंग बिंग जिसके बारे में रेड आई क्लैन लीडर बोल रहा था। यू जो था उसे बोलता है कि इन सब बातों को भूल जाओ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारे सब पावरफुल बंदा भी उन जैसे रेड आई जैसे कमजोर बंदे का बात सुनेगा। लेकिन लॉ इन्फोर्सर उसको बोलता है कि तुम एक लिविंग बिंग और अंडरवर्ल्ड में आना, किसी भी लिविंग बिंग का अंडरवर्ल्ड में आना एक पनिशेबल टू डेथ क्राइम है, और तुम यहाँ पे आ गए हो तो इसके बारे में अगर तुम हार्वेस्ट को बता दो या फिर मेरे साथ हार्वेस्ट तक चलो तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, वही तुम्हें सजा देगा। यू बोलते अच्छा ऐसी बात, अगर मैं तुम्हारे ऑफर को रिफ्यूज़ कर दूँ तो। वो अपना जो स्वॉर्ड होता बड़ा था उसको ऊपर की तरफ उठाता, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे बीत गया, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ निगोशिएट करने के लिए क्वालिफाइड हो, और चूँकि तुम यहाँ पे रेसिस्ट करने की कोशिश करे तो मैं पर्सनली लॉ इन्फोर्सर आज तुम्हें अपनी तलवार से मार डालूंगा, तुम्हारे सोल को तोड़ के जो तुम्हारे एक रियल डेड सोल बना के वापस हार्वेस्ट के पास ले जाऊंगा। साथ ही वो अपना जो स्वॉर्ड सीधा सीधा यू के ऊपर चला देता है, लेकिन यू को दिखाते वो भी
अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसके स्वॉर्ड को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और साथ ही बोलता है कि क्या तुम्हारे पावर का एक्सटेंट इतना है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो। चलो ठीक है, चूंकि तुम इतना ही कर सकते हो तो अब मेरी बारी, अब मेरा पावर देख लो। साथ ही वो अपने हाथ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसका जो स्वॉर्ड होता है उस पर दबाता है तो उसकी स्वॉर्ड पर क्रैक आ जाता है और साथ ही बोलता है राइज, और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसको जो होता है हवा में उड़ा देता है और हवा में उड़ाने के बाद एक जोरदार तरीके से ज़मीन पर गाड़ देता है, मतलब कि उसको धड़ाम से करके ज़मीन में गिरा देता है और वहाँ पर फिर से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये सब जो होता है लू फैंग देख रहे होते। लू फैंग बोलती है सरप्राइजिंगली जो अंडरवर्ल्ड टॉर्चरर है वो भी जो यू का ओपोनेंट नहीं बन सकता, यू उसे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सुसु जो थी वो भी चिल्ला रही थी, अंकल आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, वाह मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यू बोलता है कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन ये तो उस थ्री हेडेड डॉग के बराबर भी नहीं है जो कि हार्वेस्ट ने पिछली बार मेरे ऊपर छोड़ा था, मैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकल। लॉ इन्फोर्सर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो सच में कुछ ज़्यादा ही स्किल है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया कि तुम ही वो जिसने अंडरवर्ल्ड के लॉ को तोड़ा और जितने भी यहाँ पे घोस्ट किंग थे उन सबके सोल को डिस्ट्रॉय किया था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। और साथ ही वो दौड़ता हुआ फिर से यू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, बोलता है कि ये अंडर वर्ल्ड है और इस जगह में तुम्हारे से मॉर्टल जो है इतना ज़्यादा एरोगेंट फील नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं बन सकता। यू बोलता है कि मेरे इस अटैक के बाद भी तुम मर रहे नहीं हो, चलो ठीक है अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही वो अपने हाथ में फिर से अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता और फाइनली दिखाता है लॉ एनफोर्सर जो होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। यू बोलता है कि चुपचाप वहीं पर बैठ जाओ और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ, क्योंकि तुम हार्वेस्ट के एक सबॉर्डिनेट हो इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर तुमने मेरे ऊपर मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को उसके जो बॉडी के अंदर धंसा देता है और दिखाता है उसका बॉडी डिस्टिंग्विश होना स्टार्ट हो जाता है। यू ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे फील होता है कि उसके पीछे जो लॉ एनफोर्सर है उसकी बॉडी आ जाती है, क्योंकि वो अपने बॉडी को फिर से रिक्रिएट कर लेता है। बोलता है कि एरोगेंट मॉर्टल, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि मेरे पास ये जो पावर है वो जो लॉर्ड हार्वेस्ट ने मुझे दी है, और जब तक यहाँ पे मैं अंडरवर्ल्ड में हूँ कोई भी मुझे मार नहीं सकता, जब तक कि कोई पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता मुझे भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस अंडरवर्ल्ड का ही हिस्सा हूँ और मैं इस अंडरवर्ल्ड के पावर को एब्जॉर्ब करके खुद को रिक्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई अपोस्टल भी आ जाए या कोई भी दूसरा अंडरवर्ल्ड इन्फोर्सर भी आ जाए तो वो भी मुझे इस अंडरवर्ल्ड में मार नहीं सकता। ये बोलते अच्छा ऐसी बात है, मैंने तो इतना कुछ एक्सपेक्ट किया था कि हाँ तुम्हारे पास इतना कुछ पावर होगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे से एजिस्टेंट को मारना इतना ज़्यादा सिंपल होने वाला है जिसके पास पावर ऑफ द लॉ है। लकली मेरे पास उस बंदे ने कुछ दिया था जो कि मैं तुम्हारे पर यूज कर सकता हूँ। साथ ही वो एक बोतल को निकालता है और उस बोतल में जो लिक्विड होता है वो उस अपने तलवार पे डाल देता है और बोलता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो चीज़ मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ उसके बाद ये तलवार तुम्हारे इस लॉ इन्फोर्सर पर भी काम करने वाला है। साथ ही बोलता है कि आ जाओ लॉ इन्फोर्सर, देखते कि तुम्हारे पास कितने पावर है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने 1v1 फाइट करके दिखा दो। उसका ये जो लिक्विड होता है उसको स्वॉर्ड पर डालने के बाद जो वहाँ पे रिएक्शन होता है उसको देखने के बाद लॉ एनफोर्सर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है ये तो अर्थ स्पिरिट ग्रास है, आखिर इस बंदे के पास अर्थ स्पिरिट ग्रास कहाँ से आ गया। और इसके साथ जो ये एपिसोड होता है ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो अर्थ स्पिरिट ग्रास से इतना ज़्यादा क्यों डर रहा था या फिर क्या होता है आगे के एपिसोड में। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।